ब्यावर में दहेज लोभी पति का ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देख सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दहेज के लालची पति ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेने वाली अपनी ही पत्नी पर जुल्म की इंतहा कर दी। अब पीड़ित पत्नी ने न्याय की आस में पुलिस की चौखट खटखटाई है। जेल एन अस्पताल में मेडिकल के लिए आई इस महिला का नाम सोनू है। सोनू की माने तो दहेज के लालची पति द्वारा पिछले कई वर्षों से उसे शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं। सोने की चैन और 3 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने से नाराज लालची पति सोनू के शरीर को जगह जगह से सिगरेट से दागता रहा। सोनू की आवाज घर की चारदीवारी को नहीं लांग पाए, इसके लिए उसने नशे के इंजेक्शन भी दिए। अत्याचार से परेशान सोनू ने अब पुलिस की मदद ली है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सोनू का मेडिकल करवाया है। 16 साल से हमेशा से परेशान करता आया, हमेशा से मेरी माँ से पैसों की मांग करता है। मेरी माँ ने हमेशा इसे पैसे देते रहे जब तक राजी रहा, और हमेशा कहता रहा कि जब एक मोटी सोने की चेन और बूटी मोटरसाइकिल लेके आएगी, 3 लाख लेके आएगी, तभी इस घर में कुछ रह पाएगी। कि हमेशा अनशन दवाइयाँ देता, मुझे बीमार करके रखता, और हमेशा सबके सामने मेरे को पागल करना चाहता, पागल साबित करना चाहता, कहता ये पागल है। मेरे कानों में मार मार के मुझे कम सुनाई पड़ने लगा। हमेशा कहता तू मेरे लायक नहीं है, मैं सुंदर हूँ, तू मेरे लायक नहीं है। मेरे हाथ आज सब खराब कर दिए इसने, इंजेक्शन लगा लगा के अलग अलग दवाइयाँ देता था, तो मेरे हाथ शरीर पूरा खराब हो गया। कहता तेरा चेहरा किसी के देखने लायक नहीं छोड़ूंगा कभी, तू किस अपना चेहरा जब आईने में देखेगी तो खुद डरेगी तेरे चेहरे। अब आप क्या चाहते हो ऐसे पति के खिलाफ? कुछ भी नहीं, जो मेरी माँ ने खर्चा दिया वो सब चाहिए मुझे, जो मैंने दहेज में दिया, और ऐसे आदमी के साथ मैं रहना भी नहीं चाहती। अजमेर के निकट गांव डुमाड़ा में मंगलवार को एक ही परिवार के 35 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी लोगों ने पहले श्राद्ध का खाना खाया और अचानक उनकी तबियत बिगड़ना शुरू हो गई। पीड़ितों में से 2 को अजमेर के जेल एन हॉस्पिटल लाया गया, जबकि शेष का उपचार स्थानीय स्तर पर ही किया जा रहा है। निकटवर्ती गांव डुमाड़ा में आज गुर्जर समाज के रतनलाल का श्राद्ध था। श्राद्ध खाने के बाद अचानक सभी लोगों को तबियत बिगड़ना शुरू हो गई। खाना खाने वाले सभी लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ज्यादा तबियत बिगड़ने पर एक महिला सहित 2 को अजमेर के जेल एन हॉस्पिटल लाया गया, जबकि बाकी बचे लोगों का उपचार करने के लिए CMHO के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। फिलहाल पीड़ितों की हालत स्थिर बताई जा रही है। श्राद्ध मना रहे थे तो उनके घर पे खाना था, तो खाने के हिसाब से होगा कम से कम 20-30 जने थे, 20-30 जनों को हुआ। क्या हुआ? उल्टी हो रही है तो पेट दर्द कर रहा है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे लेके आया 2 को, तो चले बाकी गांव में चल रहा है। एकदम उल्टी होने लग गई थी और पेट दर्द करने लगा जोर जोर। हाँ, तो सबको ऐसे मालूम चल गया धीरे धीरे ऐसा हो गया।